नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गलत और आप देख रहे हैं चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज फोर का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, जो कि है इफ वाई इक्वल टू ई टू द पावर एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स कॉमा देन प्रूव दैट। तो जो हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है, इससे हमको क्या प्रूव करना है दोस्तों, 1 - x² इंटू वाई एन प्लस 2 बीच में माइनस का साइन, फिर यहाँ पर 2n+1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 बीच में माइनस का साइन। उसी तरह यहाँ पर क्या है दोस्तों, n² + m² इंटू वाई एन इक्वल टू 0। मतलब इस फंक्शन का यूज करते हुए हमको ये वाला टर्म प्रूव करना, मतलब इसमें लेबनीज थ्योरम का भी यूज करना है, क्योंकि एक्सरसाइज लेबनीज थ्योरम का है। तो आइए सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी क्या मैंने है, चूंकि वाई इक्वल टू ई टू द पावर एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको कुछ हम तो कन्वर्ट तो कर सकते नहीं, इसलिए डायरेक्टली क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वाई वन इक्वल टू, चूंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। उसके ऊपर उसके बाद फिर पावर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो पावर में एम हमारा कॉन्स्टेंट ये बाहर आ जाएगा इंटू कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम सभी को पता है कि क्या होता है दोस्तों, -1/√1 - x². उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 के साथ, ये भी न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और माइनस का साइन आगे आ जाएगा डिवाइड बाई इतना √1 - x² इसका मतलब। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो कि अगला स्टेप देख रहे हैं। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये टर्म बनता है। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया वो √1 - x² इंटू वाई वन इक्वल टू -m इंटू ई टू द पावर एम कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी मतलब प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, चैन रूल। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यू इंटू भी वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। तो क्या होगा, इसको यू माने हैं तो इसको यू मानेंगे, तो भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी यू आई वन का कितना हो जाएगा, वाई टू हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। फिर वाई वन को रखेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो √1 - x² को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो क्या होगा, 1/2 इंटू √1 - x² होगा इंटू, फिर 1 → 0 हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में कॉन्स्टेंट का 0 हो जाता है, फिर बीच में माइनस का साइन जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पर न्यूमिनेटर, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। तो ये डिवाइड होगा, मतलब कि सेम टर्म होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए माइनस सेम वैसे का वैसे रहेगा, ई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट किया जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहता है। उसके बाद सेम टू सेम फिर एम बाहर आ जाएगा, और फिर क्या होगा, मतलब कि एम बाहर आएगा और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, जो कि यहाँ पर था -1/√1 - x², जो कि ये रहा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए जो टर्म बच गया, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे कि अगला स्टेप हमारा देख रहे हैं, यहाँ पर √1 - x² इंटू वाई टू माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा एक्स वाला वाई वन के साथ, यहाँ पर माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर x/y1/√1 - x² इक्वल टू। उसके बाद फिर ये वाला जो टर्म है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी एक एम पहले से था और एक एम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के बाद मतलब किया आया। तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए m² हो गया, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब यहाँ प्लस वाला साइन रहेगा, माइनस का साइन आपको नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद सारा टर्म इसको भी मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर में, डिवाइड बाय √1 - x² होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला टर्म मैंने पहले वैसे का वैसे ही उतारा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। फिर यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसके नीचे क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1 तो है ही, तो 1 जब रहता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, √1 - x² होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो रूट रूट कैंसिल होगा, सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पर बनेंगे 1 + x² इंटू वाई टू माइनस का साइन। फिर यहाँ पर सेम टर्म एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सिर्फ 1 आएगा, तो एक 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर एक्स इंटू वाई वन होगा। अब देखिए कि दोनों तरफ एलसीएम, चार तरफ डिनोमीटर हमारा सेम अंदर, जो सेम डिनोमीटर होने पर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने के बाद सिर्फ दोनों के न्यूमिनेटर बचेंगे, जो कि अगला स्टेप आप देख रहे होंगे, दोनों के यहाँ पर न्यूमिनेटर वाले पार्ट ही बचे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, न्यूमिनेटर वाला पार्ट में यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ई टू द पावर एम कॉस इनवर्स एक्स, मतलब ये एलएचएस वाला टर्म अगला स्टेप में सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ई टू द पावर एम कॉस इनवर्स एक्स ये हमारा वाई था, मतलब यही हमारा क्वेश्चन था, इसके प्लेस हमने वाई लिख दिया। अब इसको ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम, तो लेबनीज थ्योरम इसमें यूज कर देंगे। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर देखिए लेबनीज थ्योरम का यूज किया है, क्योंकि मैं पहले लिखता था NC0 UN × V, फिर बीच में प्लस का साइन NC1 × UN - 1 × V1, तो उसको मैंने लिखा डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले टर्म में लेबनीज यूज करेंगे। तो लेबनीज मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें भी और यू किसको मानना, तो भी उस टर्म को मानेंगे जिसमें जीरो का जिसका डिफरेंशिएशन जीरो पॉसिबल हो, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो पॉसिबल होगा, इसलिए इसको भी माना और दूसरे टर्म को यू माना। तो इसमें देखिए NC0 इसमें अप्लाई कीजिएगा, यू एन क्या होगा, n+2, मतलब इसका nth ऑर्डर निकालेगा तो n+2 होगा, और भी तो हमारा फर्स्ट टर्म में भी वैसे का वैसे रहता है, तो यहाँ पर देख सकते होंगे आप 1 - x², ये वैसे का वैसे ही है, बीच में प्लस का साइन, फिर NC1 वैसे का वैसे। फिर इसमें क्या करेंगे, n-1 टर्म निकालेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, n+1 हो जाएगा, क्योंकि -1 यहाँ पर पहले से क्या था, 2 था, तो -1 मतलब +2 में से -1 घटाएगा, तो यहाँ पर +1 बचेगा, जो कि यहाँ पर ये रहा। फिर यहाँ करेंगे क्या करेंगे दोस्तों, v1 निकालते हैं, तो v1 जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इस टर्म को, क्योंकि इस टर्म को भी माने, तो क्या होगा, यहाँ पर -2x होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बीच में प्लस का साइन, फिर NC2 लिखेंगे इंटू, फिर इसका क्या करना, n-2 निकालेगा, तो यहाँ पर पहले से ही 2 था, मतलब ये वाला जो u वाला फंक्शन था हमारा, ये पहले से 2 था, तो -2 + 2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सिर्फ n बचेगा, तो यहाँ पर yn होगा इंटू।
अब यहाँ पर क्या था, ऑलरेडी 2x हो चुका है, फिर जब दूसरी बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, सिर्फ 2 बचेगा, x तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 बचा। जैसे कि देख सकते हो अब थर्ड टर्म तो 0 हो जाएगा, तो 0 टोटल टर्म को 0 बना देगा, इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा। फिर बीच में माइनस का साइन, जो कि ये वाला था माइनस, ये वाला वाला लिख दिया। इसमें भी आप लेबनीज यूज करेंगे, यू इंटू वी, तो इसमें यू किसको मानेंगे दोस्तों, y1 को ऑब्वियसली, क्योंकि वी हमको एक्स मानना होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 पॉसिबल है, तो इसको यू इंटू वी देखिए, इसमें भी अप्लाई किया तो एन सी 0, तो यू एन कितना निकलेगा, एन इसमें आप ऐड किए, मतलब कि एन एच का एन थर्ड टर्म निकालेगा आप, तो क्या होगा, वाई एन प्लस वन होगा इंटू वी, फर्स्ट मतलब पहला टर्म में वी वैसे का वैसे रख दिया, तो यहाँ पर एक्स का वैसे रखा, बीच में प्लस का साइन, फिर एन सी 1 इंटू इसमें क्या करेंगे, एन माइनस वन इसका टर्म निकालेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एन बचेगा, मतलब वाई एन, और एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, मतलब फर्स्ट वी 1 निकालेगा, तो क्या होगा, सिर्फ 1 आएगा, और सेकंड टर्म में तो टोटली 0 हो जाएगा, इसलिए सेकंड टर्म हमको मैंने नहीं लिखा, यही टर्म लिखा इक्वल टू। इक्वल टू के बाद देखिए एम स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो लेबनीज यूज नहीं होगा, तो इसको एम स्क्वायर को वैसे का वैसे रखा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों यू इंटू वी वाला तो फॉर्मूला है ना, क्योंकि एम तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली इसमें एन एथ ऑर्डर लगाइएगा, मतलब वाई एन, मतलब एन एथ टर्म निकालेगा, तो यहाँ पर वाई एन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसको डायरेक्टली मैंने सिंप्लीफाई किया है, अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे दोस्तों आप, क्योंकि पहला मतलब कि एन सी 0 इसका वैल्यू 1 होता, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया इंटू बाकी सारा टर्म दोनों का सेम, मतलब यू एन भी सेम है और वी भी सेम है, प्लस एन सी 1 इसका वैल्यू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब एन डिवाइडेड बाय 1 होता है इसको एक्सपेंड करने पर, तो ये लिखा। उसके बाद ये टर्म भी वैसे का वैसे था, फिर एन सी 2 का वैल्यू क्या होता है, न्यूमिनेटर में एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 होता है, बाकी सारा टर्म सेम है, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर पहले से -2 था, मतलब वी 2 तो इतना आया था, और यहाँ पर न्यूमिनेटर में 2 था, मतलब डिनोमिनेटर में 2 था, तो 2x0 कैंसिल कर देंगे, क्योंकि सेम टर्म है ये, तो मैं आपको पहले बता चुका इसके नीचे कुछ नहीं था, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो ये न्यूमिनेटर में हो गया, ये डिनोमिनेटर में हो गया, तो दोनों 2x0 कैंसिल कर देंगे सेम टर्म होने की वजह से। और उसके बाद फिर बीच में माइनस का साइन था, यहाँ पर भी वैल्यू एन सी 0 का 1, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, फिर प्लस एन सी 2 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, मतलब एन सी 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 होता है, एन डिवाइडेड बाई 1 होता है, इंटू बाकी सारा टर्म सेम टू सेम है, और ये आर एच एस वाला टर्म भी सेम टू सेम रहेगा। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिंप्लीफाई होने का वो मैंने लिखा यहाँ पर, तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही टर्म रहेगा, तो 1 माइनस एक्स को पहले लिख दिया ताकि ज़्यादा सुटेबल हो जाए, और आंसर से हमको मतलब कि टोटली मैच कर जाए, आगे वाले स्टेप में कोई दिक्कत ना हो, फिर से अरेंज करें, मतलब अरेंज आप कर सकते हैं, बीच में प्लस का साइन, -2x से एन को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि एन को 1 से डिवाइड देगा तो एन ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, -2nx इंटू वाई एन प्लस 1, बीच में प्लस का साइन। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मतलब डिवाइड कीजिएगा, तो एन इंटू एन माइनस 1 ही रहेगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1, और डिवाइड यहाँ पर मतलब कर दिया, तो यहाँ पर -1 होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था, तो 2 को 2 को 1 डिवाइड किया, तो यहाँ पर 1 रहा, मतलब यहाँ पर -1 बचेगा, इंटू वाई एन, बीच में माइनस का साइन जो किया था, अब ब्रैकेट हटा दिया मैंने यहाँ पर, मतलब नहीं हटाया, यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स इंटू वाई एन प्लस 1, बीच में प्लस का साइन, फिर 1 एन को 1 से डिवाइड कीजिएगा, तो सिर्फ एन होगा, उसको मल्टीप्लाई करते हैं एन इंटू वाई वन होगा इक्वल टू, ये वाला आर एच एस वाला टर्म सेम टू सेम है। उसके बाद देखिए तो अगला स्टेप, फर्स्ट टर्म जो कि आप देख रहे होंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 वैसे का वैसा ही। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो गया 2nx इंटू वाई एन प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर -1 था, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू वाई एन, फिर बीच में माइनस का साइन। अब देखिए इस माइनस मतलब ब्रैकेट रहेगा, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ प्लस का साइन है, हम सभी को पता भी है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस में मतलब कि ये टर्म हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है, मतलब क्या होगा, माइनस प्लस, मतलब इस माइनस की वजह से ये प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो माइनस हो गया, माइनस एन इंटू वाई एन इक्वल टू आर एच एस वाला टर्म जो कि है सेम टू सेम वैसा ही। उसके बाद फिर देखिए अगला स्टेप हमने क्या किया, कि ये जो आर एच एस में टर्म था, मतलब एम स्क्वायर इंटू वाई एन, इसको मैंने एल एच एस में ले आया, तो ऑब्वियसली यहाँ प्लस था, यहाँ तो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सारा टर्म देख सकते हो आप सेम टू सेम है, तो वहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2, बीच माइनस का 2nx इंटू वाई एन प्लस 1, माइनस का साइन। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पर, कि माइनस ये जो टर्म आप देख रहे हैं, इसको पहले एक बार क्या किया, एन को मल्टीप्लाई किया फिर एन के साथ, फिर उसी तरह फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1 के साथ, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एन को इनके साथ कीजिएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन भी है तो एन स्क्वायर, और इसको वाई एन भी तो मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए इसको भी कीजिएगा तो एन स्क्वायर वाई एन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा, फिर यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, एन को 1 के साथ कीजिएगा तो एन रहेगा, और वाई के साथ कीजिएगा मतलब कि एन, क्योंकि एक बार तो कर चुके हैं मल्टीप्लाई, तो ये दोनों कीजिएगा तो क्या होगा, एन इंटू वाई एन होगा, बीच में माइनस का साइन। उसके बाद फिर ये टर्म सेम टू सेम, एक्स इंटू वाई एन प्लस 1, बीच में माइनस का साइन, फिर एन इंटू वाई एन, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सेम टू सेम लिखा हुआ, इक्वल टू, इसको मैंने आपको पहले बताया था कि इसको इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब आर एच एस से एल एच एस में लाएंगे तो ये नेगेटिव का साइन हो जाएगा, जो कि आप देख रहे होंगे -m² * y n = 0। अब यहाँ पर देखिए
यही सेम टर्म आ गया, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद फिर देखिए अगला स्टेप हमारा, कैंसिल करने के बाद जो टर्म बची है हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू माइनस 2 nx इंटू वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस, उसके बाद फिर ये टर्म बचा जो कि यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर सिंपली ये वाला टर्म बच गया था जो कि मैं आपको पहले बता रहा था, ये वाला टर्म बच गया था यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर ये वाला टर्म बचा जो कि मैंने यहाँ लिखा। अब देखिए दोस्तों कि सेम टर्म कहाँ पे, मतलब वाई एन वाला टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर है, और एन प्लस वन वाला टर्म एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो दोनों को पहले एक साथ लाएंगे। तो देखिए अगला स्टेप मैंने वही किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू माइनस के साइन 2 nx इंटू वाई एन प्लस वन, ये था मतलब कि एन प्लस वन वाला सेम टर्म यहाँ पर और एक यहाँ पर था, तो इसको यहाँ पे लिख दिया एक्स इंटू वाई एन प्लस वन। फिर एन वाला टर्म यहाँ कहाँ पर था, माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस, यहाँ पर तो पहले से था एम स्क्वायर इंटू वाई एन। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, वाई एन प्लस वन कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप मैंने क्या किया, ये सेम सेम टर्म मतलब ये टर्म सेम टू सेम है, इसमें मतलब आगे कॉमन निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए वाई एन कॉमन निकल रहा था, यहाँ पर माइनस वाई एन कॉमन निकल दिया, तो अंदर में एन स्क्वायर प्लस एम बचा, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया। या फिर डायरेक्टली आप मतलब ये यही क्वेश्चन मतलब यही आंसर बुक में दिया हुआ है, और आप चाहें तो मतलब इसको एक्सपेंड मतलब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पर वाई एन प्लस वन कॉमन निकाल सकते हैं, और एक्स भी कॉमन निकलेगा तो माइनस एन प्लस वन निकालिएगा कॉमन, तो अंदर में 2n+1 बचेगा, तो ये भी एक आंसर होगा जो कि आपका सही होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मेल के सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।